विकासखंड भरावन क्षेत्र के गोड़वा खेमे में प्रधान पर कुछ लोगों के द्वारा भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर वीडियो वायरल किया जा रहा है। इस पर HGN न्यूज टीम ने ग्रामीणों से खास बातचीत की। RK सिंह की रिपोर्ट। हम भैया का हम कॉलोनी पावा लाइटिंग पावा गैस सिलेंडर पावा जो आवा तो उनका राशन वासन का सब प्रधान दी नहीं, हर चीज दी नहीं। और गांव हमारे तो बाबूलाल के लड़की बाबूलाल पहने हो राम गोपाल पहने है रामा सरे पहने हो राम गोपाल पागे चार गांव में झगड़ा लगवा पूरा घर और बच्चन सबका बेकार कहे हैं दारू पिया होते झगड़ा ले से पियो ना कोई झगड़ा ही नहीं हो इनके अलावा। हमसे पूछे थे रानी 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 इन्हें प्रधान का सब चीज है। ये प्रधान के ऊपर जो आरोप लग रहा है ये कैसा लग रहा है, झूठ है या सच्ची है? अब ये हमको तो मालूम नहीं साहब, जो कोई लगा रहा है उसकी गलती है, झूठ है उसकी गलती है लगा वाले के। हम लोगों के मिल रहा था हम तो जानते अपना इधर उधर मत जाए। आपका क्या नाम है और कहाँ रहती है और क्या प्रधान के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है? मेरा नाम मोमश्री है, मैं तरौली हर में रहने वाली हूँ। जो प्रधान की मतलब गलत आरोप लग रहे, पैसा वो निवास में कोई नहीं लिया, कोई 10,000-20,000 झूठ बोला जा रहा है। मतलब जो मतलब है जो प्रधान के ऊपर बहुत बड़ा गलत आरोप लग रहा है, इसमें जो है प्रधान को भी वो सब मतलब कि जिसको आवास मिलना चाहिए उसी को दिया, ये सब झूठ लग रहा है। और इलेक्शन और ये इलेक्शन का मतलब जो था मतलब कि वो उसी के खिलाफ ये सब लोग कर रहे हैं, हार गए थे तो वही सब। जी मेरा नाम सुमन है। क्या प्रधान के ऊपर ये आरोप जो लगाए जा रहे हैं तो ये झूठे हैं या सत्य है, क्या आरोप लगाए जा रहे हैं? ये झूठे हैं सारे। अच्छा, कैसे झूठे हैं? झूठे हैं क्योंकि उन्होंने सारे आवास दिए हुए और सारे सारी जनता को सारी सुविधाएं उपस्थित की है और सारा कुछ। जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये भी गलत है, उनकी सोच गलत है, सोच की गलत के वजह से ये समाज पे उल्टा आरोप लगाया जा रहा है कि समाज को खराब करना चाहते हैं। अच्छा, हमें मेरा नाम संतोष कुमार जी। और जो हमारा संतोष कुमार नाम ठीक, हमको आवास मिला, राशन भी मिल रहा है, पेंशन भी मिल रही है, जो कुछ सरकार की मुख्य योजनाएं आ रही गरीबों के लिए पूरी मिल रही हैं। ये प्रधान के ऊपर जो आरोप लग रहा है वो गलत लगाए जा रहे हैं। प्रधान अच्छा काम करते हैं और जो खिलाफ आदमी गलत बोल रहे हैं ना। आप कौन कास्ट हैं? आर्कवन से। आपका नाम क्या है और कहाँ रहते हो पूरा जी? मेरा नाम सुदामा है, हम मतरौली हार में रहते हैं, तहसील संडीला ब्लॉक भरावन हरदोई। जो ये प्रधान और जिला पंचायत के प्रति गलत आरोप लगाए गए हैं ये बिल्कुल निराधार हैं। और जैसे कि कहा गया है रामनाथ यादव जी के द्वारा कि उनके जिला पंचायत सदस्य हैं, उनकी पत्नी के नाम आवास दिया गया है, ये बिल्कुल गलत है। और जो एक जनप्रतिनिधि के इसके जनप्रतिनिधि का उन्होंने मीडिया में नाम लेकर आरोप लगाया है बिल्कुल निराधार है। इस पर उन पर जो है मुकदमा दर्ज किया जाए और एक मानहानि का दावा जो हमारे मीडिया में रखा गया गलत तरीके से रखा गया है नाम उनका, उनको आवास दिया ही नहीं गया है और इन्होंने कैसे कह दिया कि उनको आवास दिया गया है, इस पर इन्हें जो भी कार्यवाही बनती है उचित कटाई की जाए क्योंकि ये जनप्रतिनिधि हैं। और हमारे प्रधान जी को कहा जा रहा है कि बार बार इनको आवास नहीं दिया गया, उनको आवास नहीं दिया गया, सूची में नाम नहीं है तो कैसे दे दिया जाएगा, नहीं दे पाएंगे। और इनको जो बाबूलाल हैं, बाबूलाल को भी दिया गया है, रामा सरे को दिया गया है और उनको बरातीलाल को भी दिया गया है। राम गोपाल का मकान पक्का बना हुआ है, जबरदस्त विरोध करते हैं ये लोग और दारू भी बनाते हैं और हमारे ग्राम पंचायत में अव्यवस्था फैलाए हैं और सभी बच्चों का भविष्य बर्बाद करते हैं ये लोग। और मीडिया में बुला के उल्टे सीधे जवाब देते हैं
ऐसा होना चाहिए गलत है। और हमारे जनप्रतिनिधि जैसे प्रधान है, अगर उनकी छत खराब करोगे तो गलत बात है ना। और ये हमारी भारतीय जनता पार्टी के विरोध में भी बात करते हैं, उनकी छत खराब करने के लिए ऐसा मीडिया को बुला के रातों रात गलत अफवाहें फैलाते हैं, जिसके इनको कड़ी कार्रवाई की जाए। हमारा विनोद कुमार रघुवंशी नाम। क्या दिक्कत है आपको प्रधान के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं? ये आरोप गलत लगाया जा रहा है। अभी इलेक्शन लड़ रहे हैं लोग, हमारे वहाँ प्रधान की कोई गलती नहीं है। हमारे प्रधान कोई गलत नहीं कर रहा, जो भी कोई सारा काम सही करते हैं। अभी भी लोग बाग उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, गांव में फालतू का बवाल बनाते हैं। हमें इतने साल हो रहे हैं, कभी कुछ नहीं मिला था। प्रधान जी हमारे बाप का पेंशन भी बनवाया, मेरे को कॉलोनी भी दिया, कोई गलत काम नहीं करते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम अवतार यादव है, मैं ग्राम सभा गोड़वा खेम में रहता हूँ। करीब करीब अगर ये लोग आरोप जो लगा रहे हैं, 4 साल से जीत रहे हैं, तो अगर अच्छे नहीं हो तो जीतते कैसे? लगभग ग्राम सभा में सभी को पात्र में कॉलोनी जो है सबको मिल चुकी है। कुछ नाम ऐसे हैं जिनका जो है सो नहीं किया है, वो छूट गए हैं, और वो जब आएंगे तो उनको भी मिलेगा। लेकिन ये लोग एक ग्रुप अपना बनाए हुए हैं, तो हमेशा जो है शिकायत करते हैं, प्रधान की खिलाफत करते हैं, ग्राम सभा में अराजकता पैदा करते हैं। ये दारू पीकर आए दिन तो रिपोर्ट, थाना, सब कुछ जो है, मात्र एक कॉलोनी के लिए जो है, जो लोग कह रहे हैं इनकी बनी हुई है, जैसे बाबूलाल भराती, इनका पक्का मकान बना हुआ है, इनको दी गई है कॉलोनी। इसके अलावा उनका रामगोपाल का जो है वो पक्का बना हुआ है। शेष लगभग हमारी ग्राम सभा में सबको जो है आवास मिल चुके हैं, कभी आगे मिले हैं, किसी को कम मिले हैं, किसी आगे पीछे जो है सबको लगभग मिल चुके हैं, और जो छूटे हुए हैं उनको फिर जो है मिलेगा। लेकिन ये ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।